नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच खुलकर तनातनी शुरू हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से उखड़ी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया। इसमें मुख्यमंत्री भगवत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय नियमों लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद इस पर बहस शुरू हो गई। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मुख्यमंत्री मान के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने रोक टोक शुरू किया तो हंगामा शुरू हो गया। पंजाब के सीएम भगवत मान ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश कर दिया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने इसके विरोध में सदन से बहिष्कार कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता बरकरार रहेगी या उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा, इसका फैसला रविवार को होगा। इससे पहले शुक्रवार को ईमान ने कहा कि भारत का समर्थन कर रहा एक शक्तिशाली देश मेरी हालिया रूस यात्रा की वजह से पाकिस्तान से नाराज है। इस्लामाबाद सुरक्षा डायलॉग को संबोधित करते इमरान ने जोर दिया कि एक स्वतंत्र विदेशी नीति देश के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अन्य शक्तिशाली देशों पर निर्भरता के लिए डिपेंडेंसी सिंड्रोम की वजह से अपनी पूरी क्षमताओं को नहीं छुपा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबे समय तक खींच गई है। न ही रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। ऐसे में यूक्रेन में भारी तबाही जारी है। रूस के शहर बेलगोरेद के गवर्नर ने दावा किया है कि उनके यहाँ के एक तेल डिपो पर यूक्रेनी सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच ऑनलाइन माध्यम से वार्ता की शुरुआत भी हुई। दूसरी ओर यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने 17,700 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा करते हुए रूस को हुए नुकसान का ब्यौरा दिया है। दिल्ली पहुंचे रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि इस संकट के समाधान के लिए भारत मध्यस्थता कर सकता है। रविवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार एक बार फिर भारत का नाम लेते हुए अमरीका पर निशाना साधा। इमरान खान ने कहा कि एक शक्तिशाली देश जो भारत का समर्थन कर रहा है मेरी यात्रा के कारण पाकिस्तान से नाराज है। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इमरान खान ने कहा कि भारत पश्चिम का सहयोगी होने के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है और उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध भी नहीं लग रहा। इमरान ने कहा, एक शक्तिशाली देश मेरी रूस की यात्रा पर नाराज हो गया, लेकिन उसने रूस से भारत के तेल खरीदने पर एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि एक शक्तिशाली देश मेरी रूस की यात्रा पर नाराज है। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। मार्च महीने में कलेक्शन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने 1.42 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ, यह अब तक का रिकॉर्ड है। गौर जानकारी के अनुसार इससे पहले जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा 1.4986 करोड़ रुपए रहा था। चैत नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक रहेगी। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। हिंदू धर्म के अनुसार माँ जगदम्बे हर वाहन का अलग अलग महत्व होता है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रि में माँ दुर्गा बार बार नए वाहन पर सवार होकर आती हैं। माता रानी के वाहनों का प्रभाव देश दुनिया पर पड़ता है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि का महापर्व देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं। इस बार कलश स्थापना शनिवार 2 अप्रैल के दिन शनिवार को होगी। इस दिन सुबह 6:01 से सुबह 8:31 के बीच रह सकती है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 के बीच घट स्थापना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास और प्रदेश के समस्त चयन आयोग और बोर्ड के अध्यक्षों के साथ एक बैठक में अपेक्षा की कि सभी सेवा चयन बोर्ड 100 दिनों का लक्ष्य तय करते हुए 10,000 से अधिक प्रवेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने बीते 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। पहले की तरह प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए सभी चयन आयोगों बोर्डों को 100 दिवसीय 6 महीने एवं वार्षिक लक्ष्यों का तय करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए, भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो, भर्ती प्रक्रिया को सुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन एवं परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए, परीक्षा केंद्रों को निर्धारित करने में शासकीय विद्यालयों को वरीयता दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला केंद्र परीक्षा केंद्र न बने। परीक्षा केंद्र निर्धारण में अभ्यर्थियों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए, अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन तय समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीपाल समिति के अनुशासन के रूप में अनुरूप करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि भर्ती परीक्षाओं को संबंधित संस्थाएं, शासन संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ संवाद एवं समन्वय बनाते हुए पूरी करें। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें, देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार।